फैक्ट नंबर वन, दोस्तों आखिर क्यों लोग आज भी मानते हैं कि नील आर्मस्ट्रांग कभी चांद पर गए ही नहीं थे। रीजन वन, दोस्तों ये चांद पर नील आर्मस्ट्रांग के फुटप्रिंट्स की पिक्चर है, लेकिन उनके जूते का डिजाइन कुछ इस तरह का था जो कि इस पिक्चर से बिल्कुल अलग है। रीजन टू, ये पिक्चर मून लैंडिंग की है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखोगे तो इसमें आपको कोई भी स्टार यानी सितारा नजर नहीं आएगा, जो कि काफी अजीब बात है। रीजन थ्री, दोस्तों चांद पर ये झंडा नील आर्मस्ट्रांग और बज़ एल्ड्रिन ने लहराया था, लेकिन अजीब बात ये है कि ये फ्लैग लहरा रहा है लेकिन चांद पर कोई हवा है ही नहीं। तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए लोग आज भी मानते हैं कि नासा ने ये सब एक स्टेज पर शूट किया था, क्योंकि रशिया भी उस समय चांद पर सबसे पहले जाना चाहता था और स्पेस रेस में जीतने के लिए नासा ने ऐसा किया था। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि भारत में एक गांव ऐसा भी है जहां पर लोगों की पहचान उनके घरों पर बनी पानी की टंकियों से की जाती है। जी हां गाइस, आप ठीक सुन रहे हैं। दरअसल दोस्तों यह गांव पंजाब के जालंधर में स्थित उपला गांव है, जहां की मकानों की छतों पर आपको आम वाटर टैंक नहीं बल्कि यहां आपको हवाई जहाज, आर्मी का टैंक, घोड़े, कार, बस, इस तरह की पानी की टंकियां दिखाई देगी। अगर आपको किसी की छत पर आर्मी का टैंक दिख जाए तो आप समझ लेना कि उस घर से कोई ना कोई मेंबर आर्मी में है, और अगर आपको छत पर प्लेन दिखाई देता है तो आप समझ सकते हैं कि उस घर के लोग एनआरआई में है। तो इस तरह से आप पानी की टंकियों को देखकर यहां के लोगों की पहचान कर सकते हो। और इस गांव के ज्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए विदेशों में बस गए हैं, और इस गांव में करीब 200 से ज्यादा घरों पर इस तरह की अलग अलग टंकियां बनी हुई है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों अगर कोई आपसे ये कहे कि आपको मनपसंद की शादी करनी है और साथ ही शादी करने के बाद हर महीने 3 लाख रुपए सरकार की तरफ से दिए जाएंगे, तो आप ये सोचकर पहले ही हैरान हो जाओगे। और कौन ऐसा नहीं होगा जो मनपसंद की शादी नहीं करना चाहेगा। दुनिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पर शादी करने के बाद सरकार की तरफ से 3 लाख रुपए दिए जाएंगे, वो भी हर महीने। तो उस देश का नाम है आइसलैंड। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, यहाँ की लड़की से शादी करने के बाद 3 लाख रुपए प्रति महीने की सरकारी नौकरी दी जाती है। सिर्फ यही नहीं बल्कि वहाँ की नागरिकता भी फ्री में दी जाती है। तो कौन कौन चल रहा है मेरे साथ आइसलैंड, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।